नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली गई है, जो आपने 10,000 रुपया या 2,00,000 रुपया आपने दिया है, तो वो कौन से स्टूडेंट को रिफ़ंड मिलेगा और कौन से स्टूडेंट को रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग राउंड वन के लिए अब अवेलेबल हो गया है। तो आपने चॉइस फिलिंग शुरू नहीं किया है तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। अब रिफ़ंड के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक पूरा सेक्शन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन सी डिटेल दी गई है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड वन और राउंड टू होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राउंड वन में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो वो उस सीट को आप एग्ज़िट कर सकते हो, वह फ्री एग्ज़िट है। और आप यहाँ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपया, वो आपको मिल जाएगा, या डीम यूनिवर्सिटी के लिए 2,00,000 रुपया, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं राउंड टू की। तो ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू या डीम में राउंड टू में फ्री एग्ज़िट नहीं है। तो सेकेंड राउंड में अगर आप कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो वो जो 10,000 रुपया है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आप डीम में एडमिशन मिल जाता है तो वह डीम यूनिवर्सिटी में अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो वो राउंड टू में आपने जो 2,00,000 रुपया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भरी थी, वह 2,00,000 रुपया आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। राउंड टू में अगर आप कोई सीट अलॉट होती है और आप उस सीट में एडमिशन नहीं लेते हो या लेना चाहते हो, तो वह सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफ़ंड नहीं होगी, वो जो है आपका पेनल्टी है, क्योंकि आपने राउंड टू में एग्ज़िट किया है। अगर राउंड टू में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 2,00,000 रुपया या आपने जो 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 2,00,000 रुपया डीम यूनिवर्सिटी के लिए, वह आपके फर्स्ट ईयर के फ़ी में ऐड हो जाएगा और उतने ही कम पैसे आपको उस कॉलेज में देने होंगे फर्स्ट ईयर के फ़ी में। एक और चीज़, अगर राउंड टू में आपके कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होती है, तो फुल रिफ़ंड आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से अगर आप राउंड टू में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप एलिजिबल नहीं हैं फर्दर राउंड के काउंसलिंग के लिए, यानी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्टेट कोटा में भी ऐसी है, राउंड वन में फ्री एग्ज़िट है, यानी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, और राउंड टू में आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर आपको सीट अलॉट होता है तो। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपका फुल रिफ़ंड दिया जाएगा। और राउंड टू में अगर आपने सीट ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपके जो मॉपअप राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे डीम्ड और स्टेट दोनों में। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।